नरगिस का हाल तो बहुत ही बुरा था, पर उसके बारे में हमें पता लगने की संभावना ना के बराबर थी। वो हमारे गांव से कुछ दूर एक ऐसी जगह रहती थी जहां पे सिर्फ एक ही घर है और लोगों का आना जाना बहुत ही कम। अब नरगिस को देख के तो किसी पत्थर को भी तरस आ जाता, पर उस एरिया में उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसको देखते ही हमें कॉल कर दे। किसी और रेस्क्यू पे जाते हुए हमारी टीम को दिखी। हम उसे 2-3 बारी खोजने भी गए, पर वो हमें फिर मिली नहीं। लेकिन अब नरगिस की किस्मत बदलने वाली थी। एक दिन हमारी टीम रेस्क्यू करने धर्मशाला जा रही थी और उनकी नजर फिर से नरगिस पे पड़ी। अब वो क्योंकि इतनी कमजोर थी और भूख से एकदम निढाल, उसे पकड़ने में बहुत मुश्किल नहीं हुई। उसकी स्किन इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारी टीम का उसके साथ रेस्क्यू वैन में बैठना तक मुश्किल हो गया। यहाँ पहुंचते ही हमने उसको मेडिकेटेड बाथ देके उसकी डेड स्किन की एक मोटी लेयर उतारी ताकि उसकी हीलिंग शुरू हो सके। हर हफ्ते हम उसकी स्किन पे मेंज को ठीक करने के लिए आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन देते हैं, पर साथ ही साथ हम उसको मल्टीविटामिंस भी देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो, क्योंकि ये जो स्किन की बीमारियां हैं इम्यूनिटी कम होने से ज्यादा होती हैं। बहुत बारी स्किन इरिटेट होने पे डॉग्स अपने आप को खुजा खुजा के घाव भी कर लेते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए उसकी स्किन पे हम एलोवेरा और नारियल का तेल लगाते हैं ताकि उसको राहत मिले और वो अपने आप को खुजाए ना। हमने उसको खाने के लिए एक्स्ट्रा भी दिया ताकि उसकी थोड़ी सेहत बने। भगवान का हाथ जैसे नरगिस के सर पे था। 2-3 महीने के अंदर ही नरगिस लगभग ठीक हो चुकी है। इसके बाल भी लगभग पूरे आ चुके हैं और इसका वजन भी बढ़ा है। जब ये आई थी तो सिर्फ 10.5 किलो की थी और क्योंकि हमने इसको एक्स्ट्रा फीडिंग में रखा, अब ये पूरे 16 किलो की है। जिस एक और चीज में बदलाव आया वो है नरगिस के एटीट्यूड में। जब ये आई थी तो ये अपने शरीर को ठीक से बैलेंस तक नहीं कर पाती थी। अब तो नरगिस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और इसका खेलना रुकता ही नहीं। वो फार्म में हर किसी के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ खेलती रहती है और उनपे उछलती रहती है। यहाँ तक कि जब वो चलती है तब भी ऐसा लगता है जैसे वो उछल रही हो। वो किसी छोटे बच्चे की तरह थोड़ी जिद्दी है। उसको अटेंशन बहुत पसंद है और साथ ही में ट्रीट्स भी। पर किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह उसको अपने माँ बाप की पूरी अटेंशन चाहिए और इसीलिए वो किसी और डॉग को टॉलरेट नहीं कर पाती। कुछ ही और हफ्तों में नरगिस पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको हम सड़क पे दोबारा नहीं छोड़ सकते। इसको सड़क पे दोबारा छोड़ा तो इसका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से फिर उसी हालत में पहुंच जाएगी जिस हालत में हमने इसको रेस्क्यू किया था। पर मुझे नहीं पता कि नरगिस को घर मिलेगा या नहीं। तो रोज डॉग लवर्स की संख्या बढ़ ही रही है, पर उसी अनुपात में डॉग अडॉप्शन नहीं बढ़ रही। शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि जब हम खरीद के कोई ब्रीड का डॉग लाते हैं तो एक तो हम ब्रीडिंग जैसी क्रूअल प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम नरगिस जैसे किसी डॉग से जीने का मौका छीन रहे हैं।